सिसोदिया कैसेट की नई पेशकश। प्रोग्राम सिसोदिया कैसेट के माध्यम से आप तक पहुंचाया जा रहा है और इसके गायक वही पुराने प्रकाश सिंह भाटी और साथी भी कृपाल सिंह, वीर सिंह और दयाचंद। तो सिसोदिया कैसेट के माध्यम से आप सुनिए निर्गुण भजन का प्रोग्राम। सुनिए अरे राम नाम की लूट है, लूटी जा तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे। ज्ञानी ध्यानी संयमी दाता सूर्य ने जपिया तपिया बहुत है शीलवंत कोई एक। तुलसी पिछले कर्म से हरि भजन न भाय, जैसे ज्वर के बेग से तो भूख विदा। हाँ तो प्यारे साथियों, इस संसार में, इस दुनिया में जितने भी जीव जन्म लेते हैं, सभी उस परम पिता परमात्मा का एक मूल रूप है, मगर जन्म तो लेते हैं उस ईश्वर को जिसने हमें पैदा किया है और जिसने हमें इस संसार में पांच तत्वों के द्वारा शरीर देकर भेजा है। हम यहां आकर के उसकी चमत्कारी को देखकर भी उसका वर्णन नहीं करते। तो लीजिए सुनिए एक भजन के द्वारा। अरे नर कैसा खेल जहान में, कोई चढ़ जा कोई गिरे, नर कैसा खेल जहान में, कोई चढ़ जा कोई गिरे है, नर कैसा खेल जहान में, कोई चढ़ जा कोई गिरे है। कोई कोई करे हर की पूजा, काम छेड़ दिया दूजा, किसी ने काम छेड़ दिया दूजा, किसी ने काम छेड़ दिया दूजा, बड़ बुझे किसे बाड़ में, कोई भुन जा कोई बिखरे है, नरे का खेल जहां
दिए नौ लाख के बाग में लिख दिए दाके किसी के बाग में लिख दिए दाके किसी के बाग में लिख दिए दाके कोई पक्के रहे मकान में सिरकी में कोई गुजर करे सर पे धर दिया ताज किसी के सर पे धर दिया ताज किसी के सर पे धर दिया ताज किसी के जहाज चले आसमान में कोई बन के गदा फिरे की फुरती किसी को बल ताकत की फुरती किसी को बल ताकत की फुरती किसी को धन दौलत की भरती किसी को धन दौलत की भरती किसी को धन दौलत की भरती वीर सिंह सुरतिया भगवान में जग तारे जीव तिरे सत का नाम कड़वा लगे और प्यारे लागे दाम दुबदा में दोनों गए माया मिली हाँ तो प्यारे साथियों मैं कह रहा था कि संसार में उस परम पिता परमेश्वर की ऐसी गति है उसने अलग अलग नज़ारों में अलग अलग सितारों में अलग अलग सारी दुनिया में अपने नज़ारे दिखाए हैं मगर ये मूर्ख पुरुष फिर भी उसको याद नहीं करता और वो हर वक्त चश्मदीद अपनी चमत्कारी दिखाता है मगर मनुष्य चमत्कारी देखता तो है मगर उसे याद नहीं करता क्यों कि एक संसार में एक भूख ऐसी चीज लगा दी है और उस भूख के सामने पुरुष को झुकना पड़ता है चाहे वो भूख धन की हो चाहे वो अन्न की हो
चाहे वो किसी भी तरह की हो, भूख, उस भूख ने मनुष्य को ईश्वर से अलग कर दिया है, क्योंकि ये भूख बड़ी चंडाल है। तो एक निर्गुण की तर्ज में कवि ने एक भजन को लिख दिया और क्या कहा, अरे ये भूख बड़ी चंडाल है, सत डिगा दिए सतियों के, सत डिगा दिए सतियों के, ये भूख बड़ी चंडाल है, सत डिगा दिए सतियों के, सत डिगा दिए सतियों के, ये भूख बड़ी चंडाल है, सत डिगा दिए सतियों के, सत डिगा दिए सतियों के, सत डिगा दिए सतियों के, ये भूख बड़ी चंडाल है, सत डिगा दिए सतियों के, सत डिगा दिए सतियों के, इसे कहना कोई लगी लाग है, कहना कोई लगी लाग है, कोई लगी लाग है, यानी कि ये भूख जो है इसको ना लाज आती है ना शर्म आती है, और जो प्राणी जन्म लेता है ये भूख उसके साथ लग जाती है, और ये भूख सत के रास्ते से दूसरे रास्ते पर ले जाती है, और इसको कोई शर्म लिहाज नहीं होती, जीव का रास्ता दिखाते हुए शर्म नहीं लगती, इसे कहना कोई पैज लाज है, इसे कहना कोई पैज लाज है, इसे कहना कोई पैज लाज है, हर दम भूखी फिरे नाज की, हर दम भूखी फिरे नाज की, हर दम भूखी फिरे नाज की, पहली है कुछ नहीं आज की, पहली है कुछ नहीं आज की, पहली है कुछ नहीं आज की, इसमें जुल्म का माल है, संग छुड़ा दिए पतियों के, ओ संग छुड़ा दिए सतियों के, इसके डर के मारे मनुष्य किसी भी जगह रुक नहीं सकता, इससे बच नहीं सकता, चाहे वन में हो, चाहे आंगन में हो, चाहे घर में हो या जंगल में हो, भूख ने जाके घेर वन में, भूख ने जाके घेर वन में, जाके घेर वन में, घर में हो या हो आंगन में, घर में हो या हो आंगन में, घर में हो या हो आंगन में, व्याप रही है सबके तन में, व्याप रही है सबके तन में, व्याप रही है सबके तन में, सबका इसको ख्याल है, सुर बुला दिए गतियों के, सत डिगा दिए सतियों के, सत डिगा दिए सतियों के, ओ ये भूख बड़ी चंडाल है, सत डिगा दिए सतियों के, सत डिगा दिए सतियों के, ओ ये भूख बड़ी
जितने जीव हुए देहधारी, जितने जीव हुए देहधारी, जितने जीव हुए देहधारी, ये तो सबके लगी पिछाड़ी, ये तो सबके लगी पिछाड़ी, ये तो सबके लगी पिछाड़ी, हार मान गे छत्रधारी, हार मान गे छत्रधारी, हार मान गे छत्रधारी, ऋषि मुनियों का ख्याल है संग छोड़ा दिए जतियों के, सत्यजिका दिए सतियों के, सत्यजिका दिए सभा में तेरे, सिंह सभा में तेरे, सिंह सभा में तेरे, खुद तो लगे काल के नेरे, खुद तो लगे काल के नेरे, खुद तो लगे काल के नेरे, फूल कहे ये सुगन है मेरे, पद तुले हुए रतियों के, सत्य चिंता दिए सतियों के, सत्य चिंता दिए सतियों के, भूख बड़ी चाल है, सत्य चिंता दिए सतियों के, सत्य चिंता दिए सतियों के, ये भूख बड़ी चाल है, सत्य छुटा दिए सतियों के, सत्य छुटा दिए सतियों के, सत्य छुटा दिए सतियों के। हाँ तो प्यारे साथियों, इस संसारिक भूख ने अब आप समझेंगे कि भूख तो अनेक प्रकार की है, किसी को किसी तरह की भूख है, किसी को किसी तरह की भूख है, किसी को धन की भूख है, किसी को स्त्री की भूख है, किसी को पुत्र की भूख है, किसी को अन्न की भूख है, किसी को मन की भूख है, और इस भूख ने किसी भी आदमी को उस ईश्वर के नजदीक तक उसके जाप में रुचि नहीं लगने दी। जैसे कि एक मृग के पेट में कस्तूरी होती है, उसको मालूम नहीं होता ये कस्तूरी तेरे पेट में है, और उसकी सुगंध लेने के लिए सारे जंगल में भटकता है और एक दिन प्राण त्याग देता है। इसी तरीका से मनुष्य को मालूम नहीं कि ईश्वर तेरे शरीर के अंदर है, प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे एक भजन के द्वारा दर्शाया, अरे जल बिन मीन मरती है, मीन बिन कोना जल मरता है, जल बिन मीन मरती है, मीन बिन कोना जल मरता है, मृग को मारे कस्तूरी, एक मृग को मारे कस्तूरी, एक मृग को मारे कस्तूरी, कस्तूरी है चीज ये पूरी, कस्तूरी
आशिक करे रोज मगरूरिया, आशिक करे रोज मगरूरिया, आशिक करे रोज मगरूरिया। ना पत्थर से डरता है जल बिन, मीन मरती है मीन बिन, को ना जल मरता है। सूरज रोज निकलना चाहता, सूरज रोज निकलना चाहता, सूरज रोज निकलना चाहता, चंदा चकोर पकड़ना चाहता, चंदा चकोर पकड़ना चाहता, चंदा चकोर पकड़ना चाहता, दीपक रोज झगड़ना चाहता, पतंगा आप ही आप जलता है जल बिन, मीन मरती है मीन बिन, कोना जल मरता है मीन बिन। सुखी कटारी क्या है माँ, सुखी कटारी क्या है माँ, सुखी कटारी क्या है, आशी को ना कुछ परवाह है, आखिर को ना कुछ परवाह है, आखिर को ना कुछ परवाह है, माँ सुख एक मिट्टी का करवा है, एक माटी का करवा है, आशिक एक माटी का करवा है, आशिक सदा विपत भरता है जल बिन, मीन मरती है मीन बिन, कोना जल मरता। हरियल नाग जहर के पूरे, हरियल नाग जहर के पूरे, हरियल नाग जहर के पूरे, चंदन तुझ में क्या खुशबू रे, चंदन तुझ में क्या खुशबू रे, चंदन तुझ में क्या खुशबू रे, तुझ से लिपट मरे सब सूरे, पद दीप चांद लिखता है जल बिन, मीन मरती है मीन बिन, कोना जल मरता है जल बिन।
शील रतन सबसे बड़ा सब रत्नों की खान, तीन लोक की संपदा बसी शील मया। इस संसार में आकर उस भूख के वशीभूत प्राणी हो जाता है और उस सच्चे मालिक को भूल जाता है जिसने इस संसार में खेल रचाया है और जिसने संसार में पैदा करके इस जीव को यहां भेजा है। और वो जीव, ये तेरा, ये मेरा, ये इसका, ये उसका, उसके चक्कर में पड़ जाता है, सारी उम्र बीत जाती है। जब गर्भवास में होता है जीव तो ईश्वर से भजन करता है कि प्रभु बाहर निकाल, मैं तेरी प्रार्थना किया करूंगा, मैं तुझे याद किया करूंगा। मगर जब बाहर आ जाता है तो वो माया रूपी चक्र सब चीज भुला देता है। तो क्या एक भजन के द्वारा कवि ने लिख दिया, अरे नाय बेचारी रे, मन में नाय बेचारी रे, तेरी मेरी करी उमरिया खो दई सारी रे, मन में नाय बेचारी रे, तेरी मेरी करी उमरिया खो दई सारी रे, मन में वास करम में राखो माता थारी रे, ए नौ दस मास करम में राखो माता थारी रे, ए नौ दस मास करम में राखो माता थारी रे, नौ दस मास करम में राखो माता थारी रे, नौ दस मास करम में राखो माता थारी रे, बाहर काटो बाहर काटो। गर्भ में क्या कहता है वो जीव, ये कहता है प्रभु मुझे इस गर्भ से बाहर निकाल, मैं भक्ति आपकी क्या करूंगा। और क्या कहा कवि ने, नौ दस मास गर्भ में राखो माता थारी रे, नौ दस मास गर्भ में राखो माता थारी रे, नौ दस मास गर्भ में राखो माता थारी रे, बाहर का ढो नाथ में भक्ति करूं तुम्हारी रे, मन में नाय बिचारी रे, तेरी मेरी करी उमरिया खो गई सारी रे, मन में नाय बिचारी रे, तेरी मेरी करी उमरिया खो गई सारी रे, मन में नाय बिचारी रे, तेरी मेरी करी उमरिया खो गई सारी रे। जब घर की त्रिया लागी प्यारी रे, तरण होया जब घर की त्रिया लागी प्यारी रे, ओ तरण होया जब घर की त्रिया लागी प्यारी रे, तरण होया जब घर की त्रिया लागी प्यारी रे, ओ तरण होया जब घर की त्रिया लागी प्यारी रे, बालकपन में लाड लडाया माता थारी रे, मन में नाय बिचारी रे, तेरी मेरी करी उमरिया खो दई सारी रे, मन में नाय बिचारी रे, ओ तेरी मेरी करी उमरिया खो दई सारी रे।
कोडी कोडी माया जोड़ी बन्यो हजारी रे, ओ कोडी कोडी माया जोड़ी बन्यो हजारी रे, 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 अंत समय में खाली चालो बन्यो भिकारी रे, मन में नाय बिचारी रे, तेरी मेरी करी उमरिया को दई सारी रे, मन में नाय बिचारी रे, ओ तेरी मेरी करी उमरिया को दई सारी रे, कंठ दसो दरवाजे मच गई घारी रे, रुके कंठ दसो दरवाजे मच गई घारी रे, रुके कंठ दसो दरवाजे मच गई घारी रे, और लास्ट में इस शरीर रूपी मकान के जो 10 दरवाजे होते हैं वो बंद हो जाते हैं और गले की घारी बजने लगती है। रुक गए कंठ दसो दरवाजा मच गई घारी रे, ओ रुक गए कंठ दसो दरवाजे मच गई घारी रे, रुक गए कंठ दसो दरवाजे मच गई घारी रे, कहत कबीर सुनो भाई साधु करनी थारी रे, मन में नाय बिचारी रे, नाय बिचारी रे, ओ तेरी मेरी करी उमरिया को दई सारी रे, मन में नाय बिचारी रे, तो प्यारे साथियों, किस तरह मनुष्य तेरी मेरी इसका उसका अपना छोटा इन कर्मों में सारी उम्र बिता देता है, और जिनके हृदय के अंदर उस परम पिता परमेश्वर की तस्वीर रहती हो और उनके ऊपर जो प्राणी निर्भर हो, उन्हें तो फिर संसार में कुछ कहने की करने की जरूरत ही नहीं होती। जैसा कि एक भजन के द्वारा कवि ने लिख दिया, और क्या लिख दिया, अरे भरोसा जिनके मन राम भरोसा, जिनके मन राम भरोसा, जिनके जिनके पासा, राम नाम धन जिनके पासा, राम नाम धन जिनके पासा, ईश्वर नाम का जो धन है जो जिस मनुष्य के पास होता है उसे किसी दूसरे की आशा तकने की जरूरत नहीं है। राम नाम धन जिनके पासा, राम नाम धन जिनके पासा, राम नाम धन जिनके पासा, वो क्यों तके पराई आशा, वो क्यों तके पराई आशा, वो क्यों तके पराई आशा, नौ दस मास गर्भ में बासा, किसने पाला पोसा, जिनके मन राम भरोसा, जिनके मन राम भरोसा, भरोसा भरोसा, जिनके मन राम भरोसा, जिनके मन राम भरोसा। जिस तरह संसार में आकर
तो अपने पालन पोषण के लिए सत्र जगह तलाश करता, मगर उसको ये मालूम नहीं होता कुछ गर्भवास में किसने पाला है, किसने तुझे पोष करके तैयार किया है। और इस संसार में आकर के उस ईश्वर को भूल जाता है और क्या करता है, पीपी दूध गाय घी सकरा, पीपी दूध गाय घी सकरा, पीपी दूध गाय घी सकरा, भला बना है यम का बकरा, भला बना है यम का बकरा, भला बना है यम का बकरा, तू तू करा भजन से नखरा, तू तू कंठ में सोचा, जिनके मन राम भरोसा, जिनके मन राम भरोसा, भरोसा भरोसा, जिनके मन राम भरोसा, जिनके मन राम भरोसा। प्रीतम किया कामली वाला, प्रीतम किया कामली वाला, प्रीतम किया कामली वाला, प्रीतम किया कामली वाला, फिर क्यों चाहिए साल दुसाला, क्यों चाहिए साल दुसाला, फिर क्यों चाहिए साल मन की माल तल की मृग छाला, कमल मदनी का तोसा, जिनके मन राम भरोसा, जिनके मन राम दया दरम्याना, नंगरी प्रेम दया दरम्याना, नंगरी प्रेम दया दरम्याना, हाकिम मान गरीबी थाना, हाकिम मान गरीबी थाना, हाकिम मान गरीबी थाना, शंकर दास संतों का बाना, दया झील संतोषा, जिनके मन राम भरोसा, जिनके मन राम भरोसा, भरोसा भरोसा, जिनके मन राम भरोसा, जिनके मन राम भरोसा, तो प्यारे साथियों, इस संसार में तरह तरह के लोग हैं। उस परमपिता परमात्मा ने इसी तरीका से अलग अलग जन्म देकर, अलग अलग दौलत देकर सबकी परीक्षा ली है और क्या एक भजन के द्वारा लिख दिया, ये दुनिया निराली, ये दुनिया निराली, शराए मुसाफिर
कोई आए कोई चला जा रहा है, ये दुनिया निराली सराए, मुसाफिर कोई आए कोई चला जा रहा है, ये दुनिया निराली सराए, मुसाफिर कोई आए कोई चला जा रहा है, ये दुनिया कोई दौलत खजाना कमाली, कोई दौलत फिर भी भूखा मरे, कोई मेहनत करे फिर भी भूखा मरे, कोई गद्दों पे बैठा ही खा रहा है, ये दुनिया निराली सराए, मुसाफिर कोई आए कोई चला जा रहा है, सर्दी की सर्दियाँ हैं, किसी को सर्दी की सर्दियाँ हैं, कोई बिजली के दीप जलाए, कोई अंधेरे में दिल को जला रहा है, ये दुनिया निराली सराए, मुसाफिर कोई आए कोई चला जा रहा है, साथियों ये अजब दुनिया है, मगर जब इस शरीर रूपी किले में काल रूपी चोर आकर के घुसता है तो कहता है जीव, ए पड़ोसन, एक ऐसा चोर इस किले में आया है जो इसको खिंड मिंड कर देगा, और क्या भजन के भाव हैं, क्या लिख दिया, अरे पड़ोसन जागे तो जाग, तेरे भवन घुसा कोई चोर, पड़ोसन जागे तो जाग।
पड़ोसन जाय पड़ोसन जाग रहे सब कोई आय पड़ोसन जाय पड़ोसन जाग रहे सब कोई पैर वाले हैं मत वाले नशा बीते रहे सोई पड़ोसन जागे है तो जाग तेरे भवन घुसा कोई चोर वस्तु है एक साधु एक चोर या काया में दो वस्तु है एक साधु एक चोर या काया में दो वस्तु है एक साधु एक चोर वही टहलवा वही पहरवा साडे लिए पड़ोसन जागे तो जाग तेरे भवन घुसा कोई चोर पड़ोसन जागे तो जाग तेरे भवन घुसा कोई चोर तेरे भवन घुसा कोई आठ के ताले बनाए कुंजी कठिन कठोर आठ आठ के ताले बनाए कुंजी बहुत कठोर आठ आठ के ताले बनाए कुंजी कठिन कठोर हवल कदर से चोर व बैठे रतन अड़ी जागे तो जाग तेरे भवन घुसा कोई चोर पड़ोसन जागे तेरे भवन घुसा कोई चोर तेरे भवन घुसा कोई चोर तेरे भवन घुसा कोई चोर पड़ोसन जागे तो अरे कहत कबीर सुनो भाई साधो ये माया बर जोर कहत कबीर सुनो भाई साधो ये माया बर जोर कहत कबीर सुनो भाई साधो ये माया बर जोर जो माया के लखो लखाए या तो फंसा मैं तू पड़ोसन जागे तो जाग तेरे भवन घुसा कोई चोर पड़ोसन जागे तो जाग तेरे भवन घुसा कोई चोर तेरे भवन घुसा कोई चोर पड़ोसन जागे तो जाग तेरे भवन घुसा कोई चोर।
तीन गति धन होते हैं दान भोग अरनाश, दान भोग नर जो तजे हो जा सर्वेला। हाँ तो प्यारे साथियों, यहां आकर उस मालिक के चमत्कार को भी नहीं देख पाते, और आप देखते हैं कबीरदास ने एक भजन में दर्शाया है, वैसे उस मालिक की हर जगह अद्भुत माया नजर आती है। मगर धन दौलत में फूला हुआ, माया के चक्कर में फंसा हुआ मनुष्य उसको पहचानता नहीं। अब आप देखिए, उसी मालिक की तो रचना है, मगर मनुष्य समझ नहीं पाता क्या भजन के द्वारा लिख दिया। अरे कोई समझे रे नरनाथ गगन की वाणी कैसी है, अरे कोई समझे रे नरनाथ गगन देखा बिना सरोवर पानी, बिन धरती एक मंदर देखा बिना सरोवर पानी, एक चांदना देखा ज्योत में ज्योत समानी, रे कोई समझ रे नरना गगन की वाणी कैसी है, रे कोई समझो रे नरना गगन की वाणी कैसी है। अरे पीड़ा सुषमा नाड़ी त्रिकुट बांध निशानी, कीड़ा पीड़ा सुषमा नाड़ी त्रिकुट बांध निशानी, त्रिकुट बांध निशानी, गगन मंडल एक अमृत कुआ जा ब्रह्मा की वाणी, रे कोई समझो रे नरनाथ गगन की वाणी कैसी है, रे कोई समझो रे नरनाथ गगन की वाणी कैसी है, रे कोई समझो रे नरनाथ गगन की वाणी कैसी, गगन मंडल एक अमृत कुआ जा ब्रह्मा का बासा,
गगन मंडल एक अमृत कुआ सुगरा हो ते भर के पीले नुगरा फिरता प्यासा ए कोई समझे रे नरना गगन की वाणी कैसी है बीच दो पक्षी बैठे एक गुरु एक चेला गगन बीच दो पक्षी बैठे एक गुरु एक चेला गगन बीच दो पक्षी बैठे एक गुरु एक चेला चेला तो चुने चुन के खाए गुरु निरंतर खेलिया रे कोई समझे रे नरनार गगन की वाणी कैसी है एक गऊ बियानी धरती दूध जमानी गगन बीच गऊ बियानी धरती दूध जमानी माखन तो संतों ने खाया छाती जगत बरतानी रे कोई समझे रे नरनार गगन की वाणी कैसी है कबीर सुनो भाई साधु ये पद है अलबेला कबीर सुनो भाई साधु ये पद है अलबेला कबीर सुनो भाई साधु ये पद है अलबेला जो कोई शिकायत लगावे वही गुरु हम चेला रे कोई समझे रे नरना गगन की